अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह ओजला वालों अमृतसर पासपोर्ट दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। पत्रकारों ने गलबात करते हुए सांसद गुरजीत सिंह ओजला ने कहा कि पासपोर्ट अधिकारियों वालों पंजाब के कई जिलों तो आने वाले लोगों को तंग परेशान किया जा रहा है, जिस करके उन्होंने वालों पासपोर्ट दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट दफ्तर के बाहर कुछ एजेंट लोगों तो मोटे पैसे वसूलते हैं और वह एजेंट पासपोर्ट अफसरों उन्हां चों कुछ कमीशन देते हैं, जिस करके आम लोगों को खज्जल खुआरी का सामना करना पैंदा है। सांसद गुरजीत सिंह ओजला ने कहा कि इस संबंध में वह संसद भवन में भी जाके आवाज़ चुकणगे। दूजे पासे ADC सुरिंदर सिंह ने गुरजीत सिंह ओजला तो मंग पत्र लैके उन्होंने भरोसा दवाया कि उन्होंने वालों जो मंगा रखी गई हैं उसनों सरकार तक भेज दिया जाएगा और उन्होंने हल करवाया जाएगा। आज जो पासपोर्ट अफसर है जो RPU के जो पासपोर्ट ऑफिस है इतने उत्थे पिछले लंबे समय तो लोगों को परेशान किया जा रहा, पैसे कराए जाते हैं, लखा रुपये लोगों को ले जाते, लोग परेशान हैं, लोग बहुत दुखी ने, उन्होंने बार बार सद्या जाता, बार बार परेशान किया जाता। एक डेट लैन का एक जो सा एक यही ऑफिस है जितने लंबा करते नहीं जी साढ़े को जी जी जो डेली डेली लोगों परेशान करके फिर उन्होंने सैटिंग होंगी है, फिर उसको पैसे ले जाते हैं। जे कोई नुमाइंदा कोई भी इनू गल करता है उन्होंने होर पिछे सुटिया जाता भी तुम्हें वो नहीं जाना, तुम मेरे को आओ। हूँ जे बंदा सीधा तो कोई जा नहीं सकता अपॉइंटमेंट तो बगैर साढ़े, हूँ जिदा साढ़े कोई भी बंदा आगे मिल सकता, ओपन घर उस घर होंगे, जो मर्जी मिलो दफ्तर मिलो मैनू मिलो। MLA साहब आ खड़े, XML साहब दत्ती साहब खड़े ने, सियालका जी ने, मैनुअल जी ने, सारे जिन्होंने मर्जी मिलो। पर करते हैं केंद्र भी नहीं उन्होंने को नहीं, तुम साढ़े बंद को जाओ, इतने चलो तुम जाओ तो सीधा टेबल दे मिल लो भाई, मैं परेशानी है, मेरा कोई वीज़ा जरूरी चाहिए, किसी कोई एमरजेंसी पै गई है, वह किधर जाए, पहले डेट लो, डेट मिलनी 3 महीने चौहान की, फिर आओ। अगे असी जो अफसर पहले भी रहे असी उन्होंने जोड़ा कोई एमरजेंसी बंदा से उन्होंने अपने लैटर हेड से कही भी आ लो यदि गल सुन लो और लीगल काम करना, इन्हें कोई नजायज़ काम तो साढ़े आख्या करना नहीं, कानून के तहत करना और वो मदद हो जाती कोई एमरजेंसी कोई परेशानी वाला बंदा। सो इस बंद ने पिट कर ली पब्लिक वाले पहले, इस गुरु नगरी लोग कष्ट घटा आए आ, इस बंद ने जिन्हें भी 6 जिले ने फिरोजपुर सारे फरीदकोट फाजिलका सारे 6 जिले इस बंद ने इन्ना खराब किया है जिन्ना कहने की गल नहीं। सो ये जड़ा अफसर है इनू एक बार नहीं गया अच्छे धरने को कि भाई एज ए नौकर काम करना पेगा, जे तू अपने आप अफसर समझना जा तो बदली कि होर करा ला, नहीं तो भाई असी तेरे सैकटरी का भी घराओ करा, तेरे मंत्री का भी करा, तेनू अपनी जी काम कर तरीका वो बदलना पे, तेन लोग आवाज़ सुननी पेगी, तू कला अफसर नहीं गा, असी भी तेरे उपर है जेडे असी तेरी तेरी कार्यशैली का ध्यान रखते हैं और सानू अधिकार कॉन्स्टीट्यूशन ने दिता, तू सानू अधिकार नहीं दिता, असी कॉन्स्टीट्यूशन मुताबिक जो राइट असी उही मंगते हैं, असी एक्स्ट्रा तेरे तो कुछ नहीं चाहते, असी वो चीज़ चाहते हैं जो कॉन्स्टीट्यूशन ने सानू दी है, जो पब्लिक का राइट है, कॉन्स्टीट्यूशन ने पब्लिक राइट अधिकार दिता है और तेनू इसे करके नुमाइंदगी इतने दी गई है, इतने बनाया बिठाया गया कि तू लोगों दी मुश्किल सुनिया ने, लोगों दी मुश्किल बताया नहीं। डेली करीब 8 to 10 कंप्लेटा आदि ने, लोग परेशान इन्ने ने, लोग पैसे चक्की फिरते यार काम करा दो, यदि दलालों को पैसे दे काम कराने, जोड़े बंद लौड़ आओ और देखो मगर बंदे खड़े, ये एक नहीं तुम तो अज तो मैं आया अज तो चलो लोग उसका भी 10-5 हो गए, तुम रूटीन जाके पुछो की हाल है लोगों का, मार रोड सेवा केंद्र के वो हाल है ना, पीने लिए पानी बाहर धुप च लोग खड़न, मीह आए तो खड़न, पुलिस उन्होंने बाहर खलो नहीं दी सड़क से, उतों प्रशासन खराब धक्के मारदा उधरों, ये कोई प्रबंध नहीं करके देंगे। सो मैं दस देना चाहना गुरु नगरी के इस नगरी वास्ते जिहड़ा भी अफसर इत्थे जिहड़ा पासपोर्ट अफसर है वो अपना ध्यान नाल ये ध्यान रखे कि तुहानू एक सेवादार के तौर पर काम करना पैना, तुहानू अफसरी जिहड़ी करनी आ कि दूजी दिल्ली दुल्ली जाके अपना प्रबंध कर लो, इत्थे नहीं चलो वो जिहड़ा भी नहीं। देखो आप गल जे उत्थे तक पहुँचे नहीं, पर उत्थे तक पहले पहुँच लीए फिर आप भी है इन उन्हों का ये बंदे अपनी तबीयत यदि खराब है बहुत ज़्यादा, जी कोई गल है इनू पब्लिक ना तो ठीक करे, पब्लिक ना व्यवहार नहीं ठीक करते, सो यदा असी प्रबंध जिहड़ा आ आने वाले दिनों कर जो जहा मतलब पंजाबी कहते जो जहाँ मूँह जी चपेड़ मार लेते, जो कोई 10,000 वाला छोटा 10 भी लैन दे, जो कोई लखा रुपये 2 लाख भी 3 लाख भी लैन दे, तो मर्जी है इन्हें ਪੰਜਨਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ, ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਤਾਂ ਡਾਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਅਗਲਾ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।